एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस के प्रलाप की आलोचना की और कहा राम को नकारने वाले भी अब उनका अस्तित्व स्वीकारने लगे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। पटेल ने कहा मंदिर निर्माण का जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत किया है, वहीं एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मूरत को लेकर सवाल उठाकर शिलान्यास टालने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस ऐसे ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते रहे हैं। कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय की ओर से बाधा उत्पन्न करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन लोग अब समझने लगे हैं, इसीलिए कहीं कोई विरोध नहीं हुआ तो कांग्रेस ने दूसरे हथकंडों को आजमाना शुरू कर दिया है। कमल पटेल ने कमलनाथ के मंदिर निर्माण के लिए समर्थन व्यक्त करने पर कहा कि यह राम की ही महिमा है कि कांग्रेस के लोगों को राम का अस्तित्व स्वीकार होने लगा है। यह लोग अब तक राम को ही नकारते रहे हैं। विश्व के राम भक्तों को बधाई देता हूं कि हमारा सपना साकार हुआ, हमारा लक्ष्य जो था वो पूरा होने जा रहा है। और जो इन्होंने कहा कि अशुभ मुहूर्त है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबसे शुभ मुहूर्त है कि जो अहिंदू थे, हिंदू होते हुए भी अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, हिंदुओं को पानी पी पी के गालियां देते थे, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता, पूरी कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का विरोध करती थी, राम जी अयोध्या में पैदा हुए इसका प्रमाण मांगती थी, राम जी को काल्पनिक कहती थी, वो आज भगवान राम के मंदिर का स्वागत कर रहे हैं और वो अब हिंदू बन गए हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही शुभ मुहूर्त है कि जो राम विरोधी थे वो राम भक्त बन गए। इससे अच्छा मुहूर्त तो कब मिलेगा, और इसलिए इनका भी हम स्वागत करते हैं कि अपने आप को अब ये हिंदू कहने लग गए हैं, राम भक्त कहने लगे हैं, राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है, साबित होता है कि जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संतों के हाथ से जो भगवान राम मंदिर की शिलालेख आधारशिला रखी जाएगी, उसका मुहूर्त सबसे शुभ है। दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जनता के सामने एक्सपोज हो गए, और अब इसलिए इस देश की जनता जाग गई है, पूरा देश एक हो गया है, राष्ट्रभक्ति की भावना आ गई है, और इसलिए अब ये कांग्रेसियों को लगा कि अपनी राजनीति खत्म, कांग्रेस खत्म, और इसलिए अब ये भी राम भक्त बन गए हैं, ये भी अब हिंदू अपने आप को कहने लग गए हैं। यही इस आंदोलन जो राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के पीछे आंदोलन का जो ध्येय था, उसके पीछे उद्देश्य था, यही था कि हम सब भारतवासी एक हैं, एक ही माँ के संतान हैं, और इसलिए इस देश में एक देश एक संविधान, हम सब मिलकर एक शक्ति के रूप में, हिंदू हो या मुसलमान हो ईसाई हो, हम सब भारतीय हैं, और भारत माता हमारे लिए सर्वोच्च है, पहले देश, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, और फिर हम हैं एक परिवार के रूप में, और यही हमारी संस्कृति कहती है, विश्व कुटुंब की बात करती है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही भारत दुनिया का सिरमौर होगा और विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता पहुंचेगी, और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम अपने आंखों से देखेंगे कि भारत माता विश्व का मार्गदर्शन कर रही है और वो खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने में हम सफल होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।